कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? नो नो, मैं कहा, मैंने कॉलेज वाले कुछ देखा नहीं है. नहीं मतलब जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग ये वो, यू डिडंट गो इनटू ऑल दैट, बट जस्ट फ्रॉम पर्सनल. लेकिन मैं सीएम बनने के बाद मैंने पहला काम किया था, आई एम हम पढ़ने गए थे. हां सारा का सारा चालाऊं मुझे ब्लैक टी है दूध वगैरह नहीं. तो हम गए थे IIM पढ़ने के लिए, तो वो हमने वहीं से शुरू किया था. फिर वो मुझे अवसर मिले, जब पहली बार फाइल आई तो मेरे यहाँ शायद पीके मिश्रा थे. पीके मिश्रा, हाँ वो मेरे प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे. तो उनका शरीर ऐसा है चुटकू से कि मैं कभी इम्प्रेस नहीं हो सकता. बिल्कुल. लेकिन वो इतने सरलता से चीज़ों को ले जाते थे, वो आप करवा लेते थे. फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि एक ब्यूरोक्रेट क्या क्या लाइफ होता है, मुझे समझने का अवसर मिला उनसे. उन्होंने मुझे बताया कि आपको यहाँ साइन करना है. मैंने क्या क्या फाइल दी तो मैं देखने लगा. फाइल लाए मैं देखने लगा, मैंने कहा भाई इतना फाइल मैं कब पढ़ पाऊँगा, और आप तो कहते हैं साइन करो. मैं पढ़े बिना साइन कैसे कर सकता हूँ. तो उसने मुझे समझा कि साहब ये मेन चीज़ें होती हैं, आप इस पर नज़र कीजिए. तो मैंने पढ़ा तो मुझे समझ लिया. मैंने कहा मुझे ब्रीफ कीजिए क्या होता है, कैसे मुझे समझाइए आप. और मुझे याद है जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं, मुझे वो पीके मिश्रा ने सिखाया था. फिर मुझे मैंने अपना जेब से पेन निकाली, बोले साहब आपकी पेन नहीं चलेगी, लाल कलर से करना पड़ेगा. वो पेन ले गए थे इस कलर से करना. मैंने पूछा ये कलर क्यों अलग मेरा, ये ग्रीन क्यों, ये बोले सब मुझे समझाया कि इस लेवल का ऑफिसर इस कलर से साइन करता है. यानी मेरा इस प्रकार से मेरा शुरू हुआ. 3-4 दिन हुए होंगे और हमारे सीएस आए, कोई मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा फाइलों का ढेर लेकर के आए होंगे, इससे भी ज़्यादा 15-20 किलो वेट होगा. प्यून आकर के मेरे टेबल पर रखा. फिर वो सीएस हमारे बैठे, सीएस बैठे चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे फाइल दी साहब ये नर्मदा की फाइल है. ये मुझे भूल गए, नर्मदा तो मुझे याद है, बाकी 3 फाइल थी. बोले राज्य के सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इशू है, आप समय निकाल कर इसको पढ़िए ताकि कभी भी आपको इन चीज़ों पर पोजिशन लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आपको सारे इशूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा. मैं ऐसे ही उसकी हाइट देख रहा था फाइल की. 3-4 बार वह, मैंने कहा भाई अब रखिए, लेकिन 2-4 दिन के बाद अपन मिलेंगे. मैं उन फाइलों को ऐसा भी नहीं किया. अच्छा वहीं रही. मेरे मन से आवाज उठी भाई ये मैं ऐसे कोई एकेडमिक स्टडी करके सरकार नहीं चला सकता. I can't do that. ये मेरे मन में से आवाज उठी. मेरे अफसरों जो 3 अफसर थे, मैंने कहा भाई ये मुझे सीएस साहब दे गए हैं, मैं तो कोई इतना पढ़ नहीं पाऊंगा इतना. बट आई एम टोल्ड आपको बहुत पढ़ने की आदत है, कोई भी आपके सामने कागज लाता है कोई कुछ. मैं बताता हूँ ना तो उस समय की घटना बताता हूँ. मैंने कहा भाई ऐसे तो मैं कोई पढ़ नहीं पाऊंगा, पहले आप लोग मुझे इसका समझाइए आखिर के ये मसाला है क्या, मुझे कहाँ से शुरू करना क्या करना. मैं ऐसे ही कागज़ देखता जाऊँगा तो मेरे बस का रोग नहीं है. और फाइल नाम की चीज़ पढ़ना ये तो मेरी बोरिंग भी प्रकृति में ही नहीं है. मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं, मैंने उसको छुआ नहीं बिल्कुल नहीं छुआ. 3-4 दिन के बाद CS आए. मैंने कहा फाइल में मुख्य बातें क्या है जरा मुझे बता दीजिएगा. तो उन्होंने मुझे बताया. मैंने कहा मेरे लिए इतना काफ़ी है, आप इसको ले जाइए. उसके बाद मुझे कभी भी इन विषयों का ब्रीफिंग नहीं लेना पड़ा है. 13 साल हो गए. क्यों? मेरा इतना ग्रास्पिंग था उस विषय को, मैं इतनी बारीकी से पकड़ लिया उनके डिस्क्रिप्शन से. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इन चीज़ों का उनके मन पर इम्पैक्ट हुआ. फिर वो कभी मुझे कहते नहीं थे साहब इसको देख लीजिए. फिर हाउ डू यू नो ब्रीफिंग एक्यूरेट दी जा रही है आपको? ऐसा है कि मैं खुद सार्वजनिक जीवन में हूँ तो इश्यूज तो जानता हूँ.
मैं खुद पब्लिक लाइफ में काम किया हूँ तो मुझे समस्याओं का तो समाधान मालूम है, कठिनाइयां तो मालूम है, उनका परसेप्शन क्या है, सरकार व्यू पॉइंट क्या होता है मुझे जानना है, एंड मुझे गवर्नमेंट व्यू पॉइंट को कैरी करना है क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नाउ, उतना ही मुझे मिसिंग द लिंक जो होती है वो उतना पकड़ना था, वो उनको मालूम नहीं था मुझे क्या पकड़ना है, उनको तो लगता था कि सारा बंच देना है, मुझे जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ, और शायद मुझे आधा घंटा लगा होगा उन कामों को। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है, मैं जब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे और मैं ऐसे रख देता हूँ, और बाय एंड लार्ज मैं कभी अभी तक तो गलत नहीं निकला हूँ, बाय एंड लार्ज मैं उसी से चला।